हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के जनवरी के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोज के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें तथा कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व राह प्रमुख को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर होगा राजेंद्र खन्ना को। राह के पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ स्पाइक टैंक रोधी मिसाइलों का सौदा रद्द किया है? तो इसमें आंसर होगा, हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ स्पाइक टैंक रोधी मिसाइलों का सौदा रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में जोजिला सुरंग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर होगा, जोजिला सुरंग को जम्मू कश्मीर राज्य में मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है कश्मीर घाटी तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है, जो सर्दियों में भारी हिमपात के कारण भारत के शेष भागों से कटा रहता है। कुल 6,809 करोड़ रुपए वाली इस परियोजना के तहत आने जाने के लिए सुरंग बनाई जाएगी, जो भारत और एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। इस परियोजना का पूरा होने पर जोजिला दर्रे की यात्रा 3.5 घंटे की बजाय मात्र 15 मिनट में की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरेगांव भीमा का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें आंसर होगा, कोरेगांव भीमा का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट को कोरेगांव भीमा की लड़ाई में हराया था। अंग्रेजों की महार रेजिमेंट ने इस लड़ाई में जमकर बहादुरी दिखाई थी। भारतीय मूल के कंपनी सैनिकों में मुख्य रूप से बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित महार रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे, और इसलिए महार लोग इस युद्ध को अपने इतिहास का एक वीरतापूर्वक प्रकरण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला पहला देश बन गया? तो इसमें आंसर होगा, आइसलैंड पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किस टीम की 17 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी होगी? तो इसमें आंसर होगा, बिहार टीम की। बीसीसीआई ने बिहार को राज्य स्तरीय किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर रखा था, क्योंकि यह बीसीसीआई का पूर्णकालीन सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो इसमें आंसर होगा, जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों से संबंधित किस योजना का लोगो हाल ही में खेल मंत्री ने लॉन्च किया? तो इसमें आंसर होगा, खेलो इंडिया का लोगो, और खेल मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने 6 जनवरी 2018 को अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए? तो इसमें आंसर होगा, यूको बैंक ने। यूको बैंक का प्रारंभिक नाम यूनाइटेड कमर्शियल बैंक था, और इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को घनश्याम दास बिड़ला ने की थी। बिड़ला को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक ऐसा वाणिज्य बैंक स्थापित करने का विचार आया, जिसमें भारतीय पूंजी के साथ साथ प्रबंधन भी भारत के हाथों में हो, और इस बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। भारत सरकार ने इस बैंक को 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2018 का आयोजन 6-7 जनवरी 2018 को कहां हुआ?
तो इसमें आंसर होगा आसियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में हुआ और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने होपमैन कप 2018 जीता है? तो इसमें आंसर होगा होपमैन कप 2018 स्विट्जरलैंड ने जीता। होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उच्च जोखिम गर्भावस्था पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसमें आंसर होगा उच्च जोखिम गर्भावस्था पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम यादव का संबंध किस खेल से है? तो इसमें आंसर होगा सक्षम यादव एक पावर लिफ्टर है। दिल्ली के समीप एक सड़क दुर्घटना के बाद विश्व चैंपियन पावर लिफ्टिंग सक्षम यादव की मृत्यु हो गई है। वे कार दुर्घटना में घायल हो गए थे। यादव ने रूस के मॉस्को में आयोजित 2017 पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म ने जीते हैं? तो इसमें आंसर होगा सर्वाधिक पुरस्कार 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड इबिंग मिसौरी ने जीते हैं और 75वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसमें आंसर होगा भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है प्रत्युष। इस सुपर कंप्यूटर को सूर्य के नाम पर प्रत्युष नाम दिया गया है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है जिससे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार होगा। इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल देश में मानसून की अधिक बेहतर भविष्यवाणी के अलावा तमाम प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, चक्रवाती तूफान, भूकंप आदि की अधिक कार्यकुशल निगरानी के लिए किया जाएगा। इसके अलावा वायु की गुणवत्ता, बिजली गिरने, मत्स्य उद्योग, गर्म व ठंडी तरंगों के अवलोकन तथा बाढ़ व सूखे की तैयारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्युष दरअसल तमाम कंप्यूटर की एक संयुक्त कड़ी है जो अधिकतम 6.8 पेटाफ्लॉप्स तक की शक्ति तक की गणना कर सकता है। इसके साथ ही सुपर कंप्यूटर के साथ भारत का स्थान विश्व के 500 सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की सूची में 300 के स्तर घटकर अब सर्वोच्च 30 में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी सांसद सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2018 को कहां हुआ? तो इसमें आंसर होगा प्रवासी सांसद सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस आयोजन में 20 देशों से भारतीय मूल के 124 सांसद और 17 मेयर ने हिस्सा लिया और इसमें सबसे बड़ा प्रतिमंडल गयाना से है जिसमें 20 सांसद और 3 मेयर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोर्ट ने 9 जनवरी को सिनेमाघरों में राष्ट्रगान गाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है? तो इसमें आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 को आदेश दिया था कि सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है, लेकिन अपने पहले आदेश में संशोधन करते हुए उन्होंने इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने स्कीइंग में भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है? तो इसमें आंसर होगा स्कीइंग में भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक आंचल ठाकुर ने जीता है। आंचल ठाकुर मनाली की यानी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और इन्होंने स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर होगा एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्प का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिलीप एसबी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र गेल ने किस राज्य में स्थापित किया? गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
तो इसमें आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में, और यह उत्तर प्रदेश के पाता में स्थापित किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र टाटा पावर सोलर द्वारा पंजाब के अमृतसर में 2015 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने सत्यम घोटाले में ऑडिट फॉर्म प्राइस वाटर हाउस पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो इसमें आंसर होगा 2 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है के सिवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन मंत्री ने देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की नींव कहां पर रखी है? तो इसमें आंसर होगा देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की नींव मुंबई में रखी गई, और यह परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने 11 जनवरी को किस राज्य में धर्मधम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसमें आंसर होगा धर्मधम्म सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बिहार में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 12 जनवरी को सैटेलाइट कार्सोसैट 2 लॉन्च किया है, यह इसरो का कौन सा मिशन है? तो इसमें आंसर होगा यह इसरो का 100वां मिशन है। इसरो के प्रशिक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-C40 अपने साथ 31 सैटेलाइट लेकर उड़ा, जिसमें कार्सोसैट 2 सीरीज की निगरानी सैटेलाइट के अलावा एक भारतीय माइक्रो सैटेलाइट और एक नैनो सैटेलाइट है। इसमें 28 विदेशी उपग्रह भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस और मेट्रो की सवारी के लिए समान कार्ड कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसमें आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक बसों और मेट्रो की सवारी के लिए एक समान कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड का इस्तेमाल 200 DTC यानी दिल्ली परिवहन निगम और 50 क्लस्टर बसों पर विभिन्न मार्गों के साथ साथ मेट्रो ट्रेनों पर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर किस राज्य में रोक लगाई गई है? तो इसमें आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2018 को अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया? तो इसमें आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2018 को अपना 48वां राज्य दिवस मनाया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया? तो इसमें आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर बिहार राज्य ने प्रतिबंध लगाया है। बिहार राज्य सरकार ने राज्य भर में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई सिगरेट के निर्माण पर, वितरण, बिक्री, खरीद, प्रदर्शन और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ई सिगरेट बैटरी रन डिवाइस है जो कि पारंपरिक सिगरेट की तरह धूम्रपान करते हैं, हालांकि घटक भिन्न हो सकता है। यह प्रतिबंध ई सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री और खरीद पर भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसमें आंसर होगा सिक्किम का नया ब्रांड एम्बेसडर ARMN को बनाया गया है। ARMN की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भूमिका सिक्किम के लिए पर्यटकों और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए अभियान आयोजित करना होगा। वह अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर सिक्किम का प्रचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति एप्लीकेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो इसमें आंसर होगा स्फूर्ति एप्लीकेशन रेलवे मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। स्फूर्ति यानी स्मार्ट फ्राइट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। इस ऐप का उपयोग करते हुए यात्री और मालगाड़ियों दोनों पर भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करके ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील कौन बनेगी? तो इसमें आंसर होगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली देश की 7वीं महिला होंगी, और
इसके अलावा इंदू देश की पहली महिला वकील भी होंगी जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जज बनेंगी। इंदू मल्होत्रा एक वरिष्ठ अधिवक्ता बनी 2007 में। वह उच्च न्यायालय से पद धारण करने की बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाली पहली महिला वकील बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और पहला राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने जमानत के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया? तो इसमें आंसर होगा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने कितनी नई स्मार्ट सिटी को शामिल किया है? तो इसमें आंसर होगा, 9 स्मार्ट सिटी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आंसर होगा, चौथा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसको बनाया गया है? तो इसमें आंसर होगा, मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और वह 1994 में 1994 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए डीजी के रूप में सुदीप लखटकिया को नियुक्त किया गया है। सुदीप लखटकिया 1990 बैच के तेलंगाना कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कचरा महोत्सव कहां आयोजित हुआ? तो इसमें आंसर होगा, भारत का पहला कचरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। कचरा महोत्सव का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने, रचनात्मक तरीके से जमा किए गए कचरे का उपयोग करना और कचरे के रूप में ब्रांडेड चीजों का पुनः उपयोग करने के लिए विभिन्न तकनीकों को प्रदर्शित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि GFFA यानी ग्लोबल फोरम फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का 10वां वैश्विक मंच कहां आयोजित हुआ? तो इसमें आंसर होगा, GFFA का 10वां वैश्विक मंच बर्लिन में आयोजित हुआ और इसका विषय था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लाइफ स्टॉक सस्टेनेबली रिस्पॉन्सिबली एंड एफिशिएंटली। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने GFFA में भारतीय प्रतिमंडल का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर होगा, नए चुनाव आयुक्त के रूप में ओम प्रकाश रावत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के DGP के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इसमें आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के DGP के रूप में IPS अधिकारी OP सिंह ने कार्यभार संभाला। OP सिंह एक 1984 बैच के यानी 1983 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य ने मंजूर की है? तो इसमें आंसर होगा, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने मंजूर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्यवर्द कवि अनवर जलालपुरी का हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य से थे? तो इसमें आंसर होगा, कवि अनवर जलालपुरी उत्तर प्रदेश राज्य थे। अनवर जलालपुरी को भगवत गीता के श्लोकों को उर्दू में अनुवाद करने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। और सब्सक्राइब के साथ आप
नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।